नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अंडे सोयाबीन से बने बिल्कुल नए तरीके से एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 1 कप सोयाबीन। गर्म पानी में 5 मिनट के लिए सोयाबीन को भिगो के रखा था, उसके बाद अच्छे से निचोड़ते हुए ले लिया। सोयाबीन आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सोयाबीन में डालेंगे 2 अंडे। साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और नमक डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छे से हम सोयाबीन में मसाले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने मसाले सोयाबीन में मिक्स कर लिया है, साइड में रखेंगे हम सोयाबीन को। अभी मिक्सी के जार में हम डालेंगे 10 से 12 ब्लैक पेपर, साथ ही हम डालेंगे 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच खसखस, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, डालेंगे हम 2 हरी मिर्च 2 टुकड़ा करके, 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे मोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही मैंने 1 छोटे साइज के प्याज को भी ऐसे रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हम पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। सबसे पहले पैन में हम डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे सोयाबीन। 3 से 4 मिनट के लिए हम सोयाबीन को फ्राई करेंगे, जब तक सोयाबीन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। चार से पाँच मिनट के लिए सोयाबीन को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो सोयाबीन का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। पैन में ले लिया है 3 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे 1/2 चम्मच कलौंजी, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। कलौंजी जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटे साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना के रखे थे। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद हो, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 4 से 5 मिनट हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग न दिखने लगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से सोयाबीन को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको खाने में टेस्टी लगेगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हो मसाले अच्छे से भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहा है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए सोयाबीन। मसाले के साथ 2-3 मिनट और भूनेंगे। जितने अच्छे से आप मसाले को भूनोगे उतना ही सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर आएगा। अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करते हुए बस 2 मिनट और भून लेंगे। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे आप इस सब्जी को, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से मैंने सोयाबीन डाल के भून लिया है। सोयाबीन बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ भून चुका है। डाल देंगे हम यहाँ पे 1 कप पानी। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके सब्जी को ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे हम। तो पैन को कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो गए सोयाबीन को हमें ढक के पकाते हुए। सोयाबीन बहुत ही अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में हम कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। सब्जी को अगर आप पूरी तरीके से ड्राई करना चाहो तो आप
ड्राई कर लीजिएगा यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए अपने हिसाब से, लेकिन मैं हल्का इस तरीके से ग्रेवी रख रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद सोयाबीन और ज़्यादा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस का फ्लेम हम बंद करके 2 मिनट के लिए हम पैन को कवर करके रखेंगे। 2 मिनट बाद हम सब्जी को सर्व कर लेंगे और आप देख के समझ सकते हो ये सोयाबीन की सब्जी खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।